हफ्ते गाइस मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं ये पूजा करने के लिए बाबा मंदिर। सो आगे जो भी होता है गाइस मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा। सो ये बाबा धाम जाने का रास्ता है, इसी रास्ते से आगे मंदिर पड़ेगा। गाइस अगर आप लोग आते हैं तो आपको इसी रोड में आपको बहुत सारा होटल मिल जाएगा, देख सकते हैं जैसे कि होटल भरद्वाज है यहाँ पे। आगे जितना भी आपको दिख रहा है ये बिल्डिंग, ये सारा आपका होटल, ये देख सकते हैं इंटरनेशनल। इधर भी होटल सरिता है। इस रूट में आपको गाइस सारा होटल मिल जाएगा, जितना भी आपको होटल अगर चीप रेट में, प्रीमियम रेट में और जिस रेट में आपको चाहिए उस रेट में मिल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं ये अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है। यहाँ पे पेड़ा वेड़ा मिल रहा है गाइस देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ सामान मिल रहा है देख सकते हैं गाइस, लेडीज लोग का, भगवान लोग का पूजा का आइटम। ये पूरा गली में गाइस आपको ऐसा ही सामान मिल जाएगा पूजा पाठ का, पेड़ा वगैरह। और आपको बहुत सारे पंडा बाबा भी मिल जाएंगे जो आपको पूजा कराने में हेल्प करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा इंग्रेडिएंट है। दुकान सब में ना शीशा की वजह से चमकता है सब, एक खाना लेने के लिए पूरा दुकान ही शॉप ही है। ये बाबा धाम जाने का रास्ता है। आप जो ये देख रहे हो ऊपर गाइस, ये लाइन में जो पूजा होता है ना गाइस, उसके लिए ये बना हुआ है पूरा ऊपर से। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आंटी लोग यहाँ पेड़ा प्रसाद ले रही है। अच्छा यही होगा, देखे बोले ना वो वाला भी देख सकते कितने आदमी नहा रहे हैं गाइस, सब कोई यहाँ पे आते हैं सबसे पहले नहाते हैं। ये पूरा तालाब है गाइस, यहीं पे आके लोग स्नान करते हैं। आप देख सकते हैं उस साइड स्नान कर रहे हैं और उसके बाद भगवान जी की दर्शन करते हैं। सो आइए मेरे फ्रेंड लोग नहाएंगे और उसके बाद मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। देख सकते हैं गाइस मेरे दोस्त लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, यहाँ पे नहाने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। सो गाइस देख सकते हैं हम लोग फूल वगैरह ले लिए हैं और ये इधर भी ले लिए हैं फूल वगैरह देख सकते हैं, और हम लोग अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग बाबा मंदिर पहुंच गए हैं, आगे में बाबा मंदिर है, यही है बाबा मंदिर, आप देख सकते हैं गाइस। देख सकते हैं गाइस ये अंदर में बाबा मंदिर है, ये वाला मंदिर भगवान शिव का है और ये वाला मंदिर भगवान ये पार्वती माँ का है। और ये पूरा ऐसा नज़ारा देख सकते हैं गाइस, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है। ये बाबा मंदिर का गेट है, यहाँ से निकला जा रहा है पूजा करके और मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। कितना भीड़ है आप देख सकते हैं गाइस,
ये बाबा मंदिर, इधर फिर और भी भगवान जी का मंदिर है, और सामने में वो देख रहे हैं जहाँ पे वो माँ पार्वती का मंदिर है, देख सकते हैं गाइस कितना भीड़ है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे भी कमल का फूल वगैरह बेचा जा रहा है भगवान को चढ़ाने के लिए, इधर गंगा जल प्रसाद वगैरह बिंदी वगैरह माँ को चढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज शनिवार है तो आज कितना भीड़ है। ये गौरा शंकर मंदिर है गाइस, देख सकते हैं। ये आनंद भैरव मंदिर है, देख सकते हैं गाइस, ये आनंद भैरव मंदिर है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूजा हो रहा है। मैं आपको आगे मंदिर का दर्शन करवाता हूँ गाइस, देवघर में जितने मंदिर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये माँ सीता लक्ष्मण का मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे घंटा है, देख सकते हैं गाइस। ये हो गया गाइस बाहर जाने का रास्ता पीछे से, अब मैं आपको माँ बांगला का मंदिर है, ये गाइस देख सकते हैं यहाँ संकल्प हो रहा है, यहाँ माँ बांगला का मंदिर है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। हम आगे चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं गाइस कितनी सारी यहाँ पे ये रखा हुआ है बोल बम का, और ये लाइन में देख सकते हैं दर्शक की भीड़, ये लाइन से पूजा कर रहे हैं, सो इसमें भीड़ है। सो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं गाइस सत्यनारायण सूर्य नारायण मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है, ये सरस्वती मंदिर है गाइस, जय माँ सरस्वती। ये माँ मनसा का मंदिर है, देख सकते हैं माँ मनसा, यहाँ पे हनुमान मंदिर है, ये हनुमान मंदिर आप देख सकते हैं गाइस, जय श्री राम। इस लाइन में कितना लाइन है, यहाँ से इधर से करके फिर ऐसे करके इधर से जाया जाता है, और फिर यहाँ से वो निकला जाता है, यहाँ से पूजा करने के लिए यहाँ से गेट है गाइस। काल भैरव मंदिर है यहाँ पे गाइस, देख सकते हैं काल का भैरव मंदिर, और इधर में ये सब है आपको मैं अब उधर से जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे माँ गंगा का मंदिर है, बाहर अंदर का मंदिर का ऐसा दृश्य है अंदर से, और यहाँ पे यहाँ से जाया जाता है गाइस, यहाँ से निकला जाता है। तो गाइस देख सकते हैं आगे में सामने में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है यहाँ पे सीधा, और इधर चलते हैं आगे हम लोग। देख सकते हैं गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस यहाँ देख सकते हैं गाइस श्री नीलकंठ मंदिर है, ये भगवान देव मंदिर है, देख सकते हैं इनकी शादी होती है तब ये गठबंधन को बांधा जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक माँ पार्वती के लिए साथ जो होता है इनका शादी, तो उसको रस्म को पूरा करने के लिए। देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है लाइन में अभी, यहाँ देखिए गाइस यहाँ पे रात में आरती होती है, हवन होती है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर सीधा है। यहाँ पे श्री गणेश मंदिर है यहाँ पे सामने में आप देख सकते हैं, और फिर इधर आते हैं हम लोग तो आपको माँ संध्या का मंदिर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं गाइस माँ संध्या का मंदिर है यहाँ पे, अंदर में, और इधर से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो आते हैं
दर्शकगण भोलेनाथ के दर्शन किए, जल उठा के सुल्तानगंज से आते हैं। यहाँ देख सकते हैं महाकाल भैरव का मंदिर। सो गाइस देख सकते हैं ये पार्वती मंदिर है। बोल बोल।